हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? क्या आप जानते हो एक नाम ऐसा है जो आज हर किसी की जुबान पर है, जिसका नाम सलमान खान से जोड़ा जा रहा है, जिसका नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जोड़ा जा रहा है, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, क्या करना चाहता है और कितना बड़ा गैंग है? दोस्तों आज ये वीडियो देखते हैं। लेकिन वीडियो के पहले, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बीते दिनों मुंबई में गोली मारकर हत्या बनाने का शौक माना जा रहा है कि लॉरेंस बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान के घर पर फायरिंग करवाना भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। उसके काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसा है। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने का तरीका भी ठीक वैसा ही था जैसा दाऊद के लोग 80-90 के दशक में किया करते थे। वो टारगेट पर उसके घर के आसपास ही हमला करते थे, टारगेट को बिल्कुल नजदीक से गोली मारी जाती थी। लॉरेंस भी इसी तरीके को अपनाकर मुंबई में बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड लॉबी में दाऊद जैसा खौफ पैदा करना चाहता है। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई दोनों में काफी कुछ मिलता जुलता है। जैसे दाऊद ने छोटे मोटे अपराध, लूटपाट और फर्जीवाड़े से जुर्म की दुनिया में कदम रखा, लॉरेंस ने धमकी देने और मारपीट से इसका आगाज किया। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया और 500 से ज्यादा लोगों का गैंग बनाया। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड से मिलकर आतंक का तंत्र तैयार किया और 700 से ज्यादा अपराधियों का गैंग दाऊद के जैसा साम्राज्य। दाऊद इब्राहिम ने फिरौती और वसूली से सबसे ज्यादा पैसा कमाया, तो वहीं लॉरेंस के लिए फिरौती ही सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क 12 राज्यों में फैला है, लेकिन जिस तरह से उसने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया और उसे सलमान से दोस्ती से जोड़ा, उसे देखते हुए एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि वो भी डी कंपनी की तरह मुंबई को अपना गढ़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। सलमान जैसे सुपरस्टार जिसे पुलिस प्रोटेक्शन मिला है, उसके बावजूद उसने टारगेट किया। भले ही 14 अप्रैल को घर के बाहर फायरिंग की, भले ही मारना मकसद नहीं था, लेकिन उसने मारने की डेयरिंग की। वहाँ पर एक मैसेज देने का काम किया कि आप हमसे ज्यादा दिन बच नहीं सकते हैं। उनके दिल में खौफ बनाना ही उसका मकसद है। लॉरेंस बिश्नोई किस कदर दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर चल निकला है, उसका जिक्र NIA ने अपनी चार्जशीट में किया था। इसमें लॉरेंस गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम गैंग से की गई थी। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया, फिर डी कंपनी बनाई। ठीक उसी तरह लॉरेंस भी अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। वो साबरमती जेल के अंदर से बैठकर कितने बड़े बड़े कांड करता है, यानी उसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चालू है, वहाँ से लेकर ऑर्गेनाइज कर सकता है, मैनेजमेंट टास्क है, उसका दिमाग कितना तेज चलता है आप देखिए। तो इसी तरह से चलता जाएगा तो मुंबई में तो एक वैकेंसी है, एक डॉन की वैकेंसी, तो वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी। मुंबई में दाऊद का गैंग तकरीबन खत्म ही हो चुका है। फिरौती, रंगदारी, टारगेट किलिंग और स्मगलिंग जैसे अपराध पर अब लगाम लग गई है। ऐसे में मुंबई लॉरेंस गैंग के लिए एक खुला मैदान है। अब वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर यहाँ अपना नेटवर्क बड़ा करेगा। उसका टारगेट सलमान खान के साथ साथ आसपास के लोगों को डराना भी है। लॉरेंस बड़े नामों को टारगेट कर बड़ा डर पैदा करना चाहता है। दाऊद गैंग के कमजोर होने से वो मुंबई में आसानी से अपने पैर जमा सकता है। दाऊद का सबसे बड़ा फायदा जो है, एक नेता के सपोर्ट से ऊपर आया। जब तक आपको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, आप ऊपर नहीं जा सकते। दाऊद को सपोर्ट मिला, उसी तरह से कहते हैं कि लॉरेंस को भी पॉलिटिकल सपोर्ट है, इसलिए वो ऊपर आ रहा है। हालांकि 90 के दशक में और अब में बहुत फर्क है। मुंबई पुलिस भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में क्या एक दो वारदात करके लॉरेंस बिश्नोई दाऊद जैसा नेटवर्क खड़ा कर सकता है? आई थिंक आप सब समझ गए होंगे लॉरेंस बिश्नोई क्या करना चाहता है, कितनी बड़ी गैंग है, कितने राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूले, हम ऐसी यूनिक वीडियोस लाते रहते हैं।